आई एम सॉरी इंडियन फैंस, ये देखे मेरे हाथ है, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपसे माजरा चाहता हूँ, अपोलॉजीज मेरी, आपकी टीम बहुत बड़ी टीम है, पाकिस्तान की टीम नहीं है बड़ी। दोस्तों आज इंडिया ने श्रीलंका को बुरी तरह से हरा दिया है और इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। दोस्तों आप देखते हैं इंडिया महाजन के वीडियो को और जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के शानदार जीत पर क्या कह रही है। देखिए अगर आपको कंडीशन मिल जाए ना, तो आज उन्होंने प्रूव कर दिया कि कंडीशन मिल जाए सराज को या आपको आपके बाकी बुमराह को, तो फिर वो अनप्लेएबल हो जाते हैं। ये एक फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक बन जाता है। यहाँ पे आपको ये बात को आपको मानना पड़ेगा, लेकिन आज सराज ने प्रूव करके दिखाया कि जिस तरीके से, जिस समझदारी से बॉलिंग की है उन्होंने, दैट वॉज अमेजिंग। आई मीन फॉर मी दैट वॉज अमेजिंग कि कहाँ पे बॉल करना है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर बात होता ही है ना कि बॉल आप करते रहते हैं, बॉल बल्ले से लग के जाता नहीं है। ये मेक श्योर कर रहे थे कि बॉल बल्ले से लग के जाए और कैच हो। और हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट्स वन ऑफ फॉर्मिडेबल अटैक, और यही कंडीशन कहीं आपके बॉलर को दोबारा मिल गई और फिर यही हशर करेंगे। कल इंडिया अपना पहला मैच हारेगा इस वर्ल्ड कप में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में श्रीलंका इंडिया को हराएगा। श्रीलंका माता, कम ऑन श्रीलंका, पहली विन कल आ रही है श्रीलंका की अगेंस्ट इंडिया। एशिया कप फाइनल का रिवेंज लेंगे वो, जो आपने कोलंबो में उनको हराया था एशिया कप फाइनल में, अब रिवेंज लेगा श्रीलंका। ये एम्पायर को भी काफी ज्यादा जल्दी हो रही है भाई, सिराज के दूसरे बॉल पे आउट दे रहा है यार। भाई बिचारों का रंग उड़ गया भाई श्रीलंका वालों का, ये क्या हो रहा है भाई। आई एम सॉरी इंडियन फैंस, ये देखे मेरे हाथ है, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपसे माजरा चाहता हूँ, अपोलॉजीज मेरी, आपकी टीम बहुत बड़ी टीम है, पाकिस्तान की टीम नहीं है बड़ी। द वे दे आर परफॉर्मिंग इन एवरी डिपार्टमेंट, वो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उनको कंडीशंस का, जिस तरीके से वो इंडिया की कंडीशंस का उनको पता है। आप रिकॉर्ड देख लें कि सिर्फ दो मैच जीता है श्रीलंका इंडिया में, आउट ऑफ सो मैनी गेम्स पता नहीं 16 हारे हैं, 16 ODIs में से सिर्फ दो जीते, तो अंदाज़ा करें। और ये हर अपोजिशन के साथ उनका ऐसे ही है, अपनी कंडीशंस में वो किसी को भी हिलने नहीं देते, आराम से। वो मैच जो एशिया कप फाइनल जीते हैं, डोमिनेट किया, बिल्कुल डोमिनेट। उसके बाद ये मैच जो केरला में जीते थे उनसे ODI लास्ट ईयर, स्टार्ट ऑफ दिस ईयर दे वन बाय 317 रन। सो दैट बच्चों की जान लोगे क्या, बस कर दो। आकाश की बात को ही आगे लेके चलूंगा, आई थिंक 300 मिस कर दिया आपने, वो 300 हो जाते तो 420 का तो टोटल था, 420 का तो पूरा केस है श्रीलंका के ऊपर, ये तो दफा इन पे लगती है 420 की। तो 420 का मतलब है कि बिल्कुल ही आपने उनका मर्डर कर दिया जी। तो ये तो बनता था, उन पर दफा लग जाती है उन पर, तो वो 420 हो नहीं सके, लेकिन ये बात ठीक है। सर श्रीलंका बुरा खेला या इंडिया ने अच्छी गेंदबाजी करवाई है, स्वीट एंड शॉर्ट। श्रीलंका की बॉलिंग आउट, इंडिया की बॉलिंग आउट क्लास बॉलिंग इन्होंने की। और कि जिस तरह से शुभमन गिल और विराट कोहली खेले, विराट फिर एक बार अपनी सेंचुरी मिस कर गए, वो रिकॉर्ड जो है वो सचिन तेंदुलकर का बराबर करने के लिए काफ़ी मेहनत लग रही है विराट को। ज़बरदस्त मौका था ये कि ये एक जिसे कहते हैं ना एक ऑनर भी होता कि वानखेड़े में ये काम करते, जहाँ स्टैचू भी अब प्लेस कर दिया गया है सचिन तेंदुलकर का। डेफिनेटली बड़ी एक ऑनर की बात होनी थी विराट कोहली के लिए भी, और ग्रेट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर ट्रिब्यूट होता, बिल्कुल ऐसे ही होता है। और देखिए सिर्फ विराट कोहली का नहीं वेट कर रहे हम, बाबर आजम का भी ऐसे वेट कर रहे हैं, वैसी एक्साइटमेंट है, क्योंकि अब जितना जितना एक ही 100 रह गए ना दोनों का बराबर करने में, तो वो एक्साइटमेंट मेरे में बहुत ज्यादा है कि जल्दी हो तो फिर वो फीलिंग्स क्या होगी। इंशाल्लाह श्रीलंका जीतेगा, इंशाल्लाह श्रीलंका जीतेगा जी जी इंशाल्लाह। क्या वजह है, इंडिया से कोई दुश्मनी? जी दुश्मनी है, प्रॉपर दुश्मनी है। दुश्मनी की वजह पाकिस्तान इंडिया ऑफ कोर्स। ये क्या बोल रहे थे यार, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल था, होए होए होए, ओए होए होए, ये बोल क्या था, समझ नहीं लगी बोल की, कैसे अंदर आया ऐसे हुआ यार, ये क्या बोलर है भाई, ये क्या बोलर है, ओए होए होए, मेरी बात सुने, अंपायर लगता है पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, ये पाकिस्तानियों को मौका देना चाहता है कि वो फिर बोले कि पाईजान मैच फिक्स। ये गलत बात है यार, वो इतने अंडर प्रेशर हो गए भाई श्रीलंका की टीम, अब
कि अब वो डर डर के जो है वो खेलेगी भाई। स्टार्टिंग के दो विकेट गिरा दिए। निकला भाग तुम लोग ऐसे की तैसी। आज इंडिया श्रीलंका को मारेगा, मुर्दार टीम को मारेगा, समझे नहीं। मगर ये कि तुम बांग्लादेश से जीते तो तुम इस वर्ल्ड कप में जीते ही मुर्दार टीम हो सो, बांग्लादेश नेदरलैंड और फिर आपका क्या नाम है, गेम में बेंगलुरु में बारिश की प्रेडिक्शन, श्रीलंका यार परफॉर्मेंस मेरिट पे भी तो करके दिखाओ। रोहित शर्मा ने तो सबके लिए ग्राउंड ओपन कर दिया ना। रोहित आउट हो गया वरना हो जाते। रोहित 60-70 स्टार्ट करता था। चार शर्मा ने तो सबके लिए ग्राउंड ओपन कर दिया कि यार मेरी तो बस हो गई है, अब मैं इनको तो नहीं मार सकता क्योंकि मेरे बराबर की टीम है। वो एक बार निकल गई अंदर आने के बाद। तो बहरहाल उसके बाद आपने देखा होगा गिल है फिर विराट है। तो चलो यार आज माहौल था सिर्फ केएल राहुल का, आज गिल का माहौल था, आज विराट कोहली के 100 का माहौल था। तो आज माहौल ये वाला था। आज श्रीलंका से जीत का माहौल लेके तो कोई भी नहीं आया। सबको पता है यार इंडिया पहुंचा हुआ है सेमीफाइनल में, कोई तो रोक तो सकता नहीं है यहाँ से इनको कि श्रीलंका कुछ भी कर जाए। तो यार 100 भी खेल देता विराट कोहली अपने, क्या कोई बात है उसमें, क्या इनको पता ही नहीं है ना। उनको बाबर में बात दिखती है, 100 ऊपर की एवरेज और 100 ऊपर की स्ट्राइक रेट 2023 में जिस आदमी की है और दुनिया की हर टीम को उसने बिलाड़ उड़ दिया है वो तुम्हें क्रिकेटर नहीं दिख रहा क्योंकि बाहर नहीं है। अरे अबे जुगाड़ी नहीं है, हल्की टांगे पकड़ के नहीं मारे रन, उसने मारे मजबूत टांगे तोड़ी है दुनिया के बेस्ट बॉलर्स के अगेंस्ट उसका ये स्ट्राइक रेट और एवरेज है। अबे तुम लोग क्रिकेट देखते किधर हो मेरे घंटे के फैन, तुम्हें चाहिए हल्की वाली सस्ती वाली जिसमें मतलब लगे रहे सर पूरा पूरा दिन भाई। साथ साथ शिवमन गिल भी और नीचे अय्यर ने तो आपको पता है वो तो चाहता तो अभी भी इतनी बॉले थी कि जरूरत क्या थी उड़ाने की, दो छक्के मार चुका था वो। ठीक है लाइन ऑन लाइन बॉलर की आगे पीछे हो चुकी थी वो, उससे भी 100 छोड़, उससे 100 नहीं छोड़ा, उससे सोचा कि यार जितनी भी है मारे जाओ बस। आई एम अ बिग फैन ऑफ कोहली, यू नो द वे ही प्लेस एंड इंडियन टीम, या दे आर डूइंग सो वेल। इंडियन क्रिकेट टीम के लिए यही है कि यार जब आप छोटी टीम के साथ खेलते हो ना तो ऐसी फील आती है कि जो है ना वो आप उनके बाप बने हुए और आपने जो है ना उनसे पहले डील की होती है कि आपने हमारे खिलाफ परफॉर्म नहीं करना। और जैसे कि मतलब कि उनको अपनी पिचेस का पता है और वो लगातार कोई ऐसी टीम इतनी जल्दी हो नहीं सकती कि कोई मैच ही ना हारे, तो उनको अपनी पिचेस का पता है ना, तो इसलिए जो है ना वो जीते जा रहे हैं। और वैसे भी उनकी टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग ही है, जिस तरह अफगानिस्तान जो है ना उनसे हार के भी इतना खुश हो रहा होता है, तो सेम फीलिंग आ रही होती है कि उनको समझाया गया कि आपने जो है ना हमारे खिलाफ बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करना। वो देखिए इंडियन को इंडियन क्योंकि उनकी जो आवाम है ना वो बड़ी जज्बाती है, तो अगर वो छोटी टीम से हार जाएंगे ना तो उनके लिए जो है ना वो उनके जो क्रिकेटर्स हैं उनके लिए जो है ना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने फैंस को जो है ना वो काबू करना। तो इसलिए जो है ना वो पहले ही जो है ना वो सिलेक्टेड मैच खेलते हैं। ये ऐसी जब वो खेलती है ना बड़ी टीम्स के खिलाफ लाइक ऑस्ट्रेलिया है न्यूजीलैंड है उनके ऐसा तासुर नहीं आता, लेकिन जब वो खेलती हैं अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ जिनको वो कंप्रोमाइज। दोस्तों आज सामी सिराज और बुमराह की तूफान से श्रीलंका की टीम एक तरीके से आप कह सकते हो उड़ गया है। और पिछले जो हार था शायद उस जो हार का टॉर्चर है या फिर जो डर है वो आज साफ साफ दिख रहा था। पिच में तो थोड़ा बहुत मदद था लेकिन जो डर के कारण ज़्यादा विकेट फेंक कर गए और एक तरीके से ये अच्छा हुआ क्योंकि अब आज भारत ने जो बड़ी मार्जिन से जीता है भारत के रन रेट बहुत अच्छा हो गया होगा। उम्मीद है शायद हम साउथ अफ्रीका को बीट कर दें मतलब कर देंगे रन रेट के हिसाब से, हालांकि पॉइंट तो ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भारत साउथ अफ्रीका मैच में कंटेस्ट हो लेकिन भारत हार जाए क्योंकि थोड़ा जो बैड लक है वो खत्म हो जाए, सेमीफाइनल फाइनल में हम जीत जाए। लग रहा है कि शायद फाइनल इंडिया और साउथ अफ्रीका का होने वाला है और सेमीफाइनल शायद अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है और भारत टॉप पर फिनिश करता है तो इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल हो, हम फिर से 2011 की तरह उन्हें पेल कर फाइनल में जाए। अब फाइनल में साउथ अफ्रीका है और कोई भी टीम है हम उन्हें आसानी से हारेंगे क्योंकि लग रहा है जो हमारा टीम परफॉर्मेंस कर रहा है ये वर्ल्ड कप हम आसानी से नहीं छोड़ने वाले। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही, बहुत जल्द और एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। आप ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों रुकता हूँ, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज इंडिया के गेंदबाजों के तूफान में शायद श्रीलंका टीम उड़ गई और इंडिया ने श्रीलंका को बुरी तरह से हराया है।